सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी का सुपर संडे संडे स्पेशल रात 8 बजे आपके पास सादर चैनल करते हैं आज अड़ोस के पड़ोस की भारत के साथ। हाँ, भारत में तो आजकल बहुत जैसे हैं अमावस के बादल गड़गड़ाहट रहे हैं जैनों के ऊपर, खासकर 1213 साल पहले भी अदला बदली दबाव सब कुछ था, तलवार की नोक पर सब कुछ हो रहा था, और आज वोट बैंक के नाम पर सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बदला जा रहा है, इतिहास को मिटाया जा रहा है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने को जैसे आतुर बटिया जो बरस थी उसमें मिलाया जा रहा है। आज दूध में पानी नहीं मिल रहा, आज पानी में दूध मिलाया जा रहा है, कुछ खबर ऐसी है। पर आज हमारे पड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, कहते हैं जब बाबरी की घटना हमारे देश में हुई थी तब हमारे पड़ोस पाकिस्तान में हमारे जैन मंदिरों का बहुत बुरा हाल, हिंदू मंदिर भी टूटे गए, जैन मंदिर बहुत बुरी तरह तबाही हुई थी। आज वह जैन मंदिर तो कोई बचने की उम्मीद नहीं होती है, कहते हैं जैन वहाँ है नहीं तो जैन मंदिर क्यों बचेगा। 76 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक जैन साधु गए वहाँ पर इस इतिहास को खोजने, क्या वास्तव में जैन संस्कृति विरासत जो बहुत अनमोल रही है हमारी इसके अंदर क्या बची है कुछ। गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय धर्मधंदर सूरी जी महाराज साहब गए कुछ समय पहले और उनसे चैनल महालक्ष्मी की पूरी चर्चा हुई। वास्तव में कहते हैं अभी जैन धर्म वहां जिंदा है। खास बात, जैनों को बहुत बदलना पड़ा वहां, जैन दिगंबर हो श्वेतंबर हो दिगंबर भी वहां पर कन्वर्ट हो गए मजबूरी वश, आज वही वहाँ पर हैं। बड़ी जागृति की बात है, क्या सरकार वहाँ पर हमारे कुछ बदल रही है, कुछ कर रही है। सीधी सीधी बात चैनल महालक्ष्मी ने सीधा महाराज साहब से करी कि क्या है हलवा के, पहली बार आप आज देखेंगे उन महाराज साहब से साक्षात्कार कि हमारे पाकिस्तान पड़ोसी के अंदर जैनों का क्या इतिहास इस समय रहा है और कैसे बचाने की कोशिशें हो सकती हैं। सीधी चैनल महालक्ष्मी से उनकी बात सुनाते हैं आपको, अब आप सीधा सुनिएगा। महाराज जी, आप अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान गए, वाघा बॉर्डर से गए, क्या अनुभव रहा कि हमारे जैन समाज का वहाँ पर जितने मंदिर हैं कुछ बचे हुए हैं या उनको कैसे बचाया जा सकता है, आपकी नज़र में क्या रहा वो? देखिए, इस विषय में मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ, प्रत्येक जैन व्यक्ति को वहाँ पर अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए जरूर जाना चाहिए। जी, पहले कभी वहाँ पर जैन मंदिर थे जहाँ पर कि परिवार भी जैन परिवार भी रहते थे, बंटवारे के बाद विभाग के बाद में लगभग जैनी लोगों ने पाकिस्तान का त्याग कर दिया, परंतु मंदिर तो ला नहीं सके, मंदिर तो वही है, संस्कृति का चिन्ह मंदिर है, बिल्कुल संस्कृति का चिन्ह श्रमण, संस्कृति का चिन्ह श्रमण है। जी, श्रमणों ने भी उस तरफ विहार बंद कर दिया क्योंकि आहार पानी इत्यादि की जो एक कल्प्य अकल्प्य इत्यादि की व्यवस्था वो वहां पर नहीं पाई जा सकते, ऐसे संयोगों में श्रमण श्रमणियों ने विहार बंद कर दिया, और मुस्लिम अधिक होने के कारण से और वहां के लोगों के व्यवहार के कारण से जैन लोगों ने पाकिस्तान का एक प्रकार से त्याग कर दिया। मगर मैं मानता हूँ, मैंने स्वयं ने वहाँ जाकर के महसूस किया है कि यदि अपन लोग वहाँ पर जाकर के कुछ इस तरीके का व्यवहार करें जिसके कारण से सरकार सहयोग दे सकती है। मैं अभी भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान सिंध इत्यादि क्षेत्रों में बहुत अच्छे अच्छे जैन मंदिर हैं, यहाँ तक कि हमारे गोड़ी पार्श्वनाथ जी स्वामी जी, एक बहुत प्रसिद्ध पार्श्वनाथ स्वामी जी का नाम है, उनका तीर्थ भी अभी है, परंतु अपने न जाने के कारण से वहाँ पर व्यवस्था अपन लोग न कर पाने के कारण से वे लोग अभी भी उस पर अधिकार जमाए हुए हैं, परंतु सरकार से यदि अपन लोग मांग करें सही ढंग से तो उसको देना पड़ेगा। आप ये मारिए, अब 3 मंदिरों में गए, हाँ, पहले बार तीनों में कैसा अनुभव लगा आपको सरकार की ओर से, प्रशासन से और जनता से? देखिएगा, मैं यह कह सकता हूँ सरकार की ओर से तो बस एक बना दिए गए, सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर व्यवस्था कर दी गई, परंतु वह भी व्यवस्था इतनी अच्छी मैं नहीं पाता हूँ। अच्छा, जैसे कि देखिएगा लाहौर का मंदिर जो तोड़ दिया गया था, जैन मंदिर तोड़ दिया गया था,
रूप बदल दिया। इस तरीके से पत्रकारों के माध्यम से विरोध जतलाने पर जब वहाँ के लोगों ने कहा, पत्रकारों के द्वारा विरोध जतलाने पर दूसरी बार जैन मंदिर खड़ा किया गया, परंतु मैंने वहाँ पर जाकर के देखा कि जैनत्व के जो चिन्ह हैं वो उस मंदिर में नहीं है, तो मैंने तो विरोध जतलाया। मैंने कहा यदि आपको बनाना ही था तो जो पुराने मंदिर का चित्र है तो वैसा तो बना देते, अब तो तुमने ऐसा बनाया कि भविष्य में कोई भी नहीं कह सकेगा कि जैन मंदिर ऐसा होता है। मैंने तो वहां पर जाकर के थोड़ा सा विरोध भी जताया। मैंने तो वहां पर जाकर के भैया अपने गुरु जी महाराज श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी आत्माराम जी महाराज साहेब जी के श्री चरण पादुका वापिस हम लोग गुजरावाला में स्थापित करें, उसके लिए भी मैंने बातचीत की, मैंने मांग रखी अपनी ओर से सरकार के सामने, पाकिस्तान की प्रजा के सामने भी मैंने तो मांग रखी। मैं मानता हूँ कि अपने लोगों को प्रयास करना चाहिए, यह तो मैं मानता ही हूँ। यात्रा में सबसे कटु अनुभव कोई संस्मरण रहा, जो सबसे कटु रहा और सबसे बढ़िया रहा, ऐसे दो अनुभव? देखिए कटु और मधुर अनुभव मुझको एक एक मैं आपको बता देता हूँ। मधुर अनुभव तो यह रहा कि जब मैं गुजरावाला में गया और गुजरावाला में मैं गया तो जिस समय जहाँ पर गुरु जी महाराज साहेब जी के श्री चरणों की स्थापना की गई थी पहले कभी, वहाँ पर जैसे ही मैंने हाथ फेरा तो मुझको महसूस हुआ क्रैंक, यानी कि पूरे के पूरे शरीर में एक नई ऊर्जावान क्षेत्र बिल्कुल 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 मैंने महसूस की। मैंने वहाँ पर मस्तक झुकाया तो एक प्रकार से गुरु जी जिस तरीके से आदेश देते हैं आराधना करो, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छे से अच्छे अनुभवों में से ये दो मेरी अनुभूतियां, प्रतीति नहीं कह रहा हूं, अनुभूतियां, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। कटु अनुभव क्या रहा हमारा? एक कटु अनुभव हमको सबसे पहले दिन का जो रहा वो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। हमें जिस गांव में रुकना था हम उस गांव में समय सर पहुंच गए, ठीक पहुंच गए, पुलिस वाले इत्यादि सब साथ में थे, उन्होंने कहा आप लोग यहाँ रुको, हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ करके, छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी, हम चढ़ करके ऊपर गए, हमने अपने वस्त्र आदि उतारे सुखाने के लिए, हमने इधर उधर थोड़ी सी चहल पहल, अस्वाभाविक चहल पहल देखी, कुछ समझ तो नहीं पाए हम लोग, परंतु समझ तब आया जिस समय कुछ देर के बाद में जो हमारे व्यवस्थापक थे अश्विन भाई और कुछ पुलिस वालों को साथ में लेकर के आए, पुलिस वालों ने जैसे ही कहा कि महाराज यहाँ पर रहना आपके लिए उचित नहीं है, थोड़ा सा खतरा है, यहाँ के लोग आपको पसंद नहीं कर पा रहे हैं, आप श्री जी यहाँ से विहार करके यदि आगे बढ़ जाएं तो। मैंने कहा कि यदि इनको अप्रियता है तो हम यहाँ पर रुकना पसंद नहीं करेंगे, वो हम नहीं चाहेंगे और हम लोग आगे विहार करें। मतलब ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं संतों को विहार में, मतलब कि जहाँ इसे रोका जाए, क्योंकि हमारे देश में भी कई जगह ऐसी आती हैं, दक्षिण में तमिलनाडु जाओ, केरल जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, ईस्ट चले जाओ, तो मतलब वो दिक्कत है अगर शमर जाता है वहाँ। मंदिर कितने बचे हैं? मंदिर कुछ बचे हैं हमारे हकीकत में? देखिएगा मंदिरों की हालत, कुछ मंदिर तो उन्होंने अपने घर बना लिए, घरों को तो घर बनाया ही बनाया उन्होंने, जैनों के घरों को अपना घर बनाया, उन घरों में भी हम जाकर के आए। दूसरी बात यह भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मंदिरों को भी उन्होंने घर बना लिया, ऐसे घर पर भी हम जाकर के आए जहाँ पर कि अभी भी जो अंदर जहाँ पर परमात्मा विराजमान थे वो स्थान ज्यों का त्यों है, ऐसे भी हम जगह जाकर के आए गुजरावाला जहाँ पर रहने वाला राणा परिवार ने कहा कि महाराज हमको जहाँ पर पहले जब हम आए थे तब हमको महसूस होता था कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से भी वहाँ पर लोगों का अनुभव है। परंतु वहाँ पर मंदिर भी है, अभी भी बचाया जाना चाहिए। जिस तरीके से मुस्लिम बिरादरी भारत में रहती है उस तरीके से हम भी वहाँ पर रह सकते हैं। महाराज वो अनुभव एक बार बताइए, आपने पहले भी बताया था हमें एक बार कि जहाँ आपको आहार मिला
वह वास्तव में कहते हैं सौभाग्य था कि हमें जैन महिला मिल गई और उसके हाथ से ही आपको आहार का सौभाग्य मिला, वह क्या अनुभव था? हाँ, वो अनुभव इस प्रकार से था कि जो भारत में जो अंबाला में रहने वाला परिवार था उसने हमको भी कहा कि महाराज वो जो मुस्लिम बनी हुई है वह मूलतः जैन परिवार की ही कन्या थी, दिगंबर जैन थी और उस ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम परंपरा को अपनाया, थी तो वो जैन। और सचमुच में मैं कहना चाहता हूँ जैन थी, इस कारण से उसके दिलो दिमाग में एक जैन श्रमणों के प्रति जो एक सद्भाव और सद्भावता सद्भावना पूर्ण जो कार्य उसने किया, मैं मानता हूँ कि जरूर 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 उसमें संस्कार तो जिंदे थे। इसका मतलब तो महाराज जी वहाँ कई जैन ऐसे हो सकते हैं आज की तारीख में जो परिवर्तन कर गए हों, ऐसे हो सकते हैं वहाँ? ऐसे हैं। मैं वहाँ पर म्यूजियम में गया, मैं वहाँ पर कई अध्यापकों से मिला, यहाँ तक कि एक अध्यापक ने जैन परंपरा, जैन धर्म, जैन दर्शन को लेकर के उर्दू भाषा में किताब छपवाई जिसका उद्घाटन में मैं खुद था और जिस पर आशीर्वचन के रूप में उसने मेरे वचन छपवाए भी हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी बात नहीं है, जैन धर्म के प्रति जिज्ञासा है। कई जो कि पीएचडी कर रहे थे वहाँ के विद्यार्थी, उन्होंने जैन धर्म जैन परंपरा के विषय में मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे। अच्छा। हाँ, ये तो वहाँ पर है, आज की तारीख में भी है। 76 साल में जाने वाले पहले आप जैन संत हैं। हाँ, है ना। क्या फिर मन करता है कि आप किसी को लेकर कोई ऐसी उद्घोष करेंगे कि हाँ जाओ जाओ जाओ, किसी को प्रेरणा देंगे आप? भैया, मैं निश्चित रूप से वहाँ से जिस दिन से निकला हूँ जब भी मुझको मौका मिला है तो मैंने तो कहा है कि भैया जाना ही चाहिए, और मैं अपने मुनियों में से भी चाहता हूँ कि जाएं, मैं भी चाहूँगा कि मैं भी जाऊँ, मेरे मुनिजन भी जाएं, मेरी तमन्ना है, निश्चित तमन्ना है। और मुझको यह जानकर बहुत खुशी होती है कि कुछ जनों के दिलों में भाव पैदा हुआ है और वे भी प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका भी साथ देता हूँ। कई दिक्कत रहती है, पासपोर्ट नहीं बन सकता दिगंबर संत को, अपनी कुछ नहीं है, दिक्कत आएगी? ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जो वहाँ की व्यवस्था है उसके हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या आप कैसी व्यवस्था दे सकते हो। मेन तो ये सुरक्षित रहेगा हमारे श्रमण, ये बहुत चिंता है। मैं मानता हूँ कि यदि वहाँ की सरकार आपको विश्वास दिलाती है तो अवश्य में आप अच्छी से अच्छी वैसी व्यवस्था बना करके जा सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी हम कह सकते हैं पाकिस्तान में जैन संस्कृति बची हुई है और उसे बचाकर संरक्षण किया जा सकता है। अवशेष हैं अभी भी, उसको कर सकते हैं। संस्कृति के अवशेष हैं वहाँ के म्यूजियम में, हमने कई जैन प्रतिमाओं को देखा, कई जैन प्रतिमाओं को देखा और वो उन्होंने कहा कि ये तो हमको पाकिस्तान के क्षेत्र से ही प्राप्त हुई है। तो यदि जैन अवशेष प्राप्त होते हैं तो इसका यह तो निश्चित मतलब है कि पाकिस्तान की भूमि से जैन अवशेष यदि मिलते हैं तो उसका तो सीधा साधा सा अर्थ है कि वहाँ पर पहले जैन परंपरा थी। महाराज जी, आज वर्तमान में कहते हैं इतिहास दोहराता है, लोग कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन हमारे साथ तो बुरे रूप में रिपीट हो रही है। किसी का पार्टी का नाम नहीं लेते लेकिन आज कहते हैं कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। आज स्थिति जैन समय बिल्कुल वैसी हो रही है, किसी एक तीर्थ नहीं कई तीर्थों पर उंगली डालें अतीत में और आज आज़ाद भारत के 76 साल बाद भी हम वही देख रहे हैं। तो महाराज जी, क्या तीर्थों का संरक्षण, जैन समाज के तीर्थों का संरक्षण किस तरह कर सकते हैं? एक आवाज़ आपसे वह चाहिए, चारों जैन समाज के हम कहीं बटे हुए नहीं हैं, हम एक हैं, तो किस तरीके से हम इस बात में लड़ सकते हैं? देखिएगा, व्यवस्था के नाम पर हम लोग लड़ रहे हैं जी, तीर्थों के लिए लड़ रहे हैं ऐसा कम प्रतीत होता है, जबकि व्यवस्थापक हम या व्यवस्थापक तुम, व्यवस्था के साथ में कुछ संपत्ति के मामले जुड़े हुए हैं, परंतु हमें तीर्थ को बचाते हुए अपनी जैन संस्कृति को बचाना है और जैन संस्कृति बचाने के लिए हमें अपने निजी स्वार्थ, हमें अपनी निजी गणना को गौण करना पड़ेगा, धर्म को संस्कृति को हमको प्रमुखता देनी पड़ेगी। और मैं मानता हूँ कि यदि अपन इकट्ठे होकर के विचारें, एक दूसरे को सुने समझें
तो निश्चित रूप से हम लोग कोई ना कोई एक ऐसा उपाय ढूंढ सकते हैं जिसके कारण से शांति भी हो जाए और तीर्थों की सुरक्षा भी हो जाए, विवाद भी संवाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, ऐसी व्यवस्था हम ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हमको जरा इकट्ठा एक मंच चाहिए, हम इकट्ठे हों, विचारें, जहाँ पर दिल खोल करके हम एक दूसरे को सुन भी सकें, कह भी सकें, विचार भी सकें, ऐसा एक न एक जरूर व्यवस्था हो तो मुझको लगता है कि हम समाधान पा सकें। शुरुआत ऊपर से होगी नीचे से होगी महाराज जी? देखिएगा, इसके लिए मैं यह मानता हूँ कि शुरुआत न ऊपर से न नीचे से, इसकी शुरुआत करने वाले कुछ संस्कृति के चाहक, संस्कृति को समर्पित व्यक्ति, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, यदि वे जुड़ेंगे तो अवश्य में कुछ कर जाएंगे।